नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बाजार इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे रही बाजार की चाल पूरे हफ्ते। शेयर मार्केट की अगर बात करें तो इस बार शेयर मार्केट शनिवार को भी खुला, नया ऑल टाइम हाई बनाया दोनों ही इंडेक्सेस ने। सेंसेक्स ने 73,994 को और निफ्टी ने 22,419 का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि इसके बाद हमने देखा कि थोड़ा सेंसेक्स नीचे भी आया, 60 अंक बढ़कर वो 73,806 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी हमने तेजी देखी, ये 22,378 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में तेजी की बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि वित्त वर्ष 2022-23-24 के लिए जो अक्टूबर दिसंबर तिमाही के जीडीपी ग्रोथ जिसको बढ़ाकर अब देखा गया है कि वो 8.4 पर पहुंची, इसका मार्केट सेंटिमेंट पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। तो बाजार रोज नए शिखर छू रहा है। इन सब बातों पर हम करेंगे चर्चा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं शेयर मार्केट का हाल, कैसे रहने वाली है स्टॉक्स की चाल और कहां निवेश करना होगा मुनाफे का सौदा, कौन सा सेक्टर देगा बेहतरीन रिटर्न, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट विशेषज्ञ। अपना सवाल पूछने के लिए तमाम नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं जो लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वो नंबर हम आपको बता दें, नंबर है 2338-7031 और दूसरा नंबर है 2309-7670। इन नंबर्स पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक तमाम शेयर बाजार से जुड़ी जानकारी। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ एनसी महेश्वरी साहब जुड़े हुए हैं, स्टॉक एनालिस्ट हैं जाने माने। महेश्वरी साहब, रविवार का दिन है, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपको। पहला सवाल मेरा यही है कि हमने देखा कि इस बार तो भाई शेयर बाजार शनिवार को भी खुला और ऑल टाइम हाई बनाते हुए सेंसेक्स और निफ्टी नजर आए। बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका माना जा रहा है कि जो जीडीपी का आंकड़ा सामने आया वो उम्मीद से बहुत बेहतर था। खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग में हमने देखा कि इसके योगदान की वजह से ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस पॉजिटिव इम्पैक्ट को आप और कितने समय तक देखेंगे शेयर बाजार में? देखिए, हमारा जो शेयर मार्केट, जैसे हमारी बार बार चर्चा होती है, पोटेंशियल और परफॉर्मेंस दोनों में पोटेंशियल को ज्यादा वेटेज देता है। और जिस तरह से इस पर क्वार्टरली जो ग्रोथ हुई 8% जीडीपी की, वो बहुत ही बेहतरीन थी और मार्केट की एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ही अच्छी थी। और सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है उसकी संरचना, उसके जो कंपोजिशन थी, वो ये नहीं कि एक लॉपसाइडेड थी या स्क्यूड डेवलपमेंट थी। अक्रॉस सेक्टर हमने देखा जीडीपी की जो कंपोजिशन थी वो बहुत अच्छी तरह से आई। इसके साथ ही अगर आप जीएसटी कलेक्शन की बात करें, उसने भी बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। अगर ग्लोबल क्रूज की बात करें तो इवन बाहर के जो ओवरसीज इंडेक्स थे उन्होंने भी हमें सपोर्ट दिया। क्रूड की बात करें तो वो भी एक जगह पे स्टेबल रहा। तो मुझे इस समय लगा कि ये जो वीक था इससे अच्छा स्टॉक मार्केट ये और कुछ हो ही नहीं सकता, कि जीडीपी भी अच्छी है, आपका फॉरेन एक्सचेंज भी कंफर्टेबल है, क्रूड प्राइस भी कंफर्टेबल है, ग्लोबल क्यूज स्टॉक मार्केट भी बहुत अच्छे है। लेकिन फिर भी उसके चलते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस है वो एक बेहतरीन रही और उससे मार्केट को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिला। और उनको तो लगता है कि ये तो अभी शुरुआत है, जो हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछले 5 साल में खर्चा किया है, शायद उसका रिजल्ट, उसका डिविडेंड अब आने वाला है। तो मार्केट इसको बहुत पॉजिटिव ढंग से ले रहे हैं। महेश्वरी साहब, अगर हम तमाम फैक्टर्स को एक एक करके एनालाइज करेंगे, जैसे कि इस पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें जो कल से शुरू होने वाला है, इसमें ऐसे 8 के आसपास आईपीओज हैं जो दलाल स्ट्रीट को हिट करेंगे, जिसमें हम बात करें जेजी केमिकल्स है, ग्लोपाल स्नैक्स है, मुक्का प्रोटीन्स है। तो आईपीओज को लेकर कितने बुलिश हैं आप इक्विटी के लिए? देखिए, अगर हम इन्वेस्टर निवेशक के हिसाब से चलें तो ज्यादातर निवेशक अभी भी, इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आईपीओ में, वो आईपीओ को अभी पूरी तरह से समझते नहीं है और ना उनके पास कोई ऐसी विधा है कि वो समझ पाए कि किस आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किस आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जनरली वो इन्फ्लुएंस होते हैं अपने एडवाइजर से, अपने ब्रोकर से, और मार्केट का जो ग्रे प्रीमियम चल रहा है उससे वो इंडिकेशन लेते हैं कि हमें किस इन्वेस्टमेंट में और किस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है। लेकिन जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, अभी भी जो 82% आईपीओ आए हैं उसमें से इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी रिटर्न मिली है। और पीछे चलते हुए तो 15-20% तो ऑलमोस्ट हर शेयर्स में रिटर्न आई आईपीओ में, और कुछ में 70-80% तक की रिटर्न विद इन 6 मंथ आ गई है। लेकिन 12% जैसे मैंने कहा इन्वेस्टर्स को लॉस भी हुआ है। मार्जिनल जो आईपीओ थे मार्जिनल लिस्टेड प्राइस में थोड़ा सा उन्होंने लॉस भी दिया। तो हमें ये चलते ना देखना पड़ेगा कि किस आईपीओ में
इन्वेस्ट करना है और किस आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना। ये ऐसा नहीं है कि आईपीओ आ गया और उसमें हर एक को पैसा मिलना ही है, तो थोड़ा सा जागरूक रहने की जरूरत है, पर्टिकुलरली जबकि मार्केट ऑलरेडी निफ्टी 22,000 प्लस पे और ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और जो प्राइस आ रही है जो एग्रेसिव प्राइसिंग मतलब जितनी ऑलरेडी कोई ज्यादा स्कोप इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ में बचाने हुए, पहले ही वो काफी महंगे रेट पे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें जागरूक करते होते हुए इनपे जी, पार्शलिस्ट पे और ऐसी कई कंपनियां हैं जो आने वाले सप्ताह में लिस्ट होने जा रही हैं, ख़ास तौर पर अगर हम देखें शेयर बाज़ार में, उस लिहाज से नए निवेशक के लिए किस तरह की सलाह रहेगी आपके तरफ से? जहां तक नए निवेशक की बात है, हमारा हमेशा से मानना है, हम ये समझते हैं कि जो रोड टू कैपिटल मार्केट है, जो एंट्री होती है कैपिटल मार्केट में, सबसे पहले आईपीओ से ही होती है। एक आईपीओ में एक स्मॉल इन्वेस्टर, एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आप 20 से 25 हज़ार रुपए तक एंट्री कर सकते हैं। आपने एक इन्वेस्टमेंट की, अगर आपको अलॉटमेंट हो गई तो फिर आप उसको बेचेंगे, और उस तरह से एक दो बार जब मल्टीपल आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको एक कैपिटल मार्केट में एंट्री हो जाती है, एक कॉन्फिडेंस हो जाता है। सबसे पहले जो हमें इन्वेस्टर को यहाँ समझाना है कि आजकल आईपीओ में जैसे एसबा चल रहा है, आपका पैसा निकलता नहीं है, आपका पैसा अकाउंट में ब्लॉक ही होता है। अगर आपको अलॉटमेंट होगी जब ही आपके अकाउंट से पैसा निकलेगा, इसका मतलब है कि आपका पैसा कहीं ब्लॉक नहीं होता, ये भी एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। जो पैसा आप सेकेंडरी मार्केट में भी ब्रोकर्स के पास देते हैं, वो भी पैसा 100% पैसा एक्सचेंज के पास शाम तक चला जाता है, तो आपको 100% ये ऐसी मार्केट है जो फुल्ली रेगुलेटेड है, और कहीं से भी किसी तरह से भी आपके शेयर्स या आपके पैसे का कोई जोखिम इन्वेस्टर के ऊपर नहीं है। तो एक नए इन्वेस्टर को खाली जो जी समझना है वो ये समझना है कि किस पर्टिकुलर सेक्टर में, किस पर्टिकुलर शेयर्स में इन्वेस्ट करें। एक जी बार उसको थोड़ा सा ये समझेंगे तो बाकी जो संरचना है, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो प्रोसेस है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। जी मनीष साहब, ने देखा कि सेंसेक्स और निफ्टी की जो तेजी है उसमें कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कई शेयर्स तो ऐसे थे जो 52 वीक के हाईस पर पहुंचे। इसी में अगर बात की जाए सीमेंट सेक्टर की, जिस तरह से सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर फोकस है, सीमेंट सेक्टर पर आपकी क्या राय रहने वाली है? देखिए, मैं जहां तक सीमेंट कंस्ट्रक्शन की बात है और इवन रियल एस्टेट, मुझे लगता है कि इसने पिछले 12 साल में पहली बार ब्रेकआउट किया और 10 साल में डीपर ब्रेकआउट किया है। ये सेक्टर ऐसा है जो पिछले 10 साल में इतना रियल एस्टेट वाला जो सेक्टर था कभी 10 साल में चल नहीं पाया, जिसको हम टेक्निकली अगर हम बात करें तो इसको हम साइक्लिक मूवमेंट और साइकिल अप्रिसिएशन की बात करते हैं। साइकिली ये जो सेक्टर है, इसने एक अच्छा ब्रेकआउट किया है मुझे, और जो जितने देर में सेक्टर चलता है उसकी जो आगे की लॉन्गेविटी है, आगे के जो टेन्योर है, वो भी लंबी होती है। तो इसका मतलब कम से कम सीमेंट और कंस्ट्रक्शन आने वाले 1 से 1.5 साल तक बहुत तेजी से चलने वाला है, एंड ड्यूली सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट इनिशिएटिव। आप देखें, गवर्नमेंट ने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में आज कंस्ट्रक्शन में जितना पैसा लगाया है, जैसे मैंने पहले बताया कि उसका डिविडेंड अभी आना है, जब डिविडेंड आएगा, जब उसका बेनिफिट मिलेगा, तो ये जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है और आगे बढ़ता जाएगा। मुझे लगता है इसे टॉप के अगर हम 3 सेक्टर्स की बात करें तो उसमें कंस्ट्रक्शन एंड सीमेंट वन ऑफ द सेक्टर। साथ ही बात अगर की जाए पर्यटन क्षेत्र की, यानी टूरिज्म की, इस पर भी सरकार का बहुत फोकस है, खास तौर पर आध्यात्मिक टूरिज्म की वजह से हमने कई राज्यों को आर्थिक प्रगति से जुड़ते हुए देखा है। इससे रिलेटेड जो तमाम स्टॉक्स हैं जो कि होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन पर कितने बुलिश हैं आप? देखिए, जहां तक प्योर होटल की बात करते हैं, होटल इंडस्ट्री मुझे लगता है बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे रही है, और नेक्स्ट 2-3 से 4 साल में बहुत अच्छा इसमें हमें पॉजिटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड को देख लीजिए, आप चाहे बजट होटल्स को देखिए, आप बटीक होटल्स को देखिए, या आप लार्ज चेन्स को देखिए, हर एक ने पिछले 1.5 साल में कम से कम 25 से 40% तक का इजाफा दिया है। और जिस ढंग से आपने बात किया, आध्यात्मिक टूरिज्म एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और इंडिया की जो डेमोग्राफी, इंडिया की जो पॉपुलेशन की नेचर है, जो हमारा एक बैकग्राउंड है, उसको देखते हुए ये सेक्टर बहुत अच्छी तरह से विकसित होने वाला है। आज आप चाहे अयोध्या की बात करें, चाहे बनारस की बात करें, चाहे 4 तीर्थ धामों की बात करें, यहाँ पर जिस ढंग से स्पेशल फैसिलिटीज मिली हुई है, आम आदमी पहले हमेशा सोचता था कि मैं शायद यहाँ जाना चाहता हूँ, पर उसको शायद वहां की निवास व्यवस्था नहीं थी, वहां आवास की व्यवस्था नहीं थी, आने जाने के उतने समुचित साधन नहीं थे। लेकिन जिस ढंग से अब ये विकास हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा। अभी हम एक इंटरनेशनल टूरिज्म की रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में अयोध्या विल बी गोइंग टू बी दी टॉप 4 विजिटिंग पॉइंट, मतलब बिल्कुल जो डेस्टिनेशन है, जो चार्ट वर्ल्ड के जो टॉप डेस्टिनेशन होंगे,
उसमें से शायद अयोध्या एक डेस्टिनेशन हो सकता है। तो अगर बिल्कुल इतना बड़ा हमें पोटेंशियल नजर आ रहा है तो नेचुरली ये सेक्टर बहुत अच्छा चलेगा। बिल्कुल, खास तौर पर अब जानेंगे हम कि मल्टी बैगर्स की पहचान कैसे करेंगे निवेशक, लेकिन फिलहाल हमारे इस खास शो में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप जुड़े रहिए बाजार इस हफ्ते के साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। मार्केट में तो बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरी नजर में एनपीएस से बढ़िया और कुछ नहीं। प्रेजेंटली जो मेरा बैंक अकाउंट है, उसी की नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू मैंने अपना एनपीएस ओपन किया। अब एनपीएस की ऐप के थ्रू मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, बहुत इजीली ट्रैक हो जाता है। अब तो इसमें सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल का ऑप्शन भी आ गया है, विच इज ग्रेट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो बाजार इस हफ्ते में, जहां हमारे साथ एनसी महेश्वरी साहब जो कि जाने माने स्टॉक एनालिस्ट है, वो जुड़े हुए हैं। महेश्वरी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि तमाम निवेशकों के मन में हमेशा से एक मल्टी बैगर की पहचान को लेकर बहुत उत्सुकता होती है, मल्टी बैगर्स पर क्या आपका एक व्यू पॉइंट रहने वाला है कि भाई अगर एक ही शेयर हो और वो मल्टी बैगर हो और वो कमाल का मुनाफा आपको कमा कर दे? आई थिंक इट इज अ बेटर ड्रीम देन द रियलिटी। जी, मल्टी बैगर क्या होता है कि पहले कोई पोटेंशियल नहीं है, मल्टी बैगर को आप डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, मल्टी बैगर तो रिजल्ट है, बाद में आपको समझ में आता है कि इट हैज प्रूवन टू बी मल्टी बैगर। तो हमारे पास कोई ऐसा इंडिकेटर्स नहीं है जहां मल्टी बैगर्स को पहले समझ सके, लेकिन फिर भी कुछ ब्रॉड पैरामीटर्स हैं जिसके हिसाब से हम मल्टी बैगर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा ये है जिसमें लोन कंपोनेंट बहुत ज्यादा है और लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो जहां इंटरेस्ट कॉस्ट के कारण कंपनी को लॉस हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट बिकॉज ऑफ रिकम्पोजिशन कंपोजिशन या इक्विटी कन्वर्जन के चक्कर में अगर उनका इंटरेस्ट का बर्डन एकदम खत्म हो जाता है, तो उनकी जो आरओआई है डिस्प्रोपोर्शनेटली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम देखेंगे प्रोमोटर शेयर के प्लेज कितने हैं, कितना उसका लोन है, लोन कंपोनेंट अगर खत्म हो गया है तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। दूसरा है ब्रांड इक्विटी। अभी हमने देखा कि स्टार्टअप के केस में खासकर जहां हम बोलते हैं रदर ट्रेडिंग ऑफ लॉसेस, इनिशियल स्टार्टअप अगर आप देखेंगे तो 2-3 साल वहां काफी लॉस होता है, लेकिन उनकी प्राइस बढ़ती जाती है, लेकिन जब वो प्रॉफिट में आते हैं, जब उनको लगता है कि अब इसका एक मार्केट का जो पोटेंशियल था, मार्केट की जो एक्सेप्टेबिलिटी थी प्रोडक्ट की, उस ब्रांड की जो एक्सेप्टेबिलिटी थी वो हो गई है, तो उसमें क्या होता है जो उनका क्रिटिकल मार्स है, जो इनिशियल इनर्शिया है, जो इनिशियल लॉसेज होते हैं, उनका हाई ब्रेक इवन पॉइंट जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं, वो हाई ब्रेक इवन पॉइंट होता है, लेकिन एक बार जब वो ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है तो उसकी जो रेवेन्यूज आती है वो सारी पॉजिटिव हो जाती है, तो वो एक मल्टी बैगर बन जाता है। तो हमें 3 चीजें देखनी है कम से कम कि लॉस का रीजन क्या है। अगर वो इंटरेस्ट कंपोनेंट है तो नेचुरली सूनर और लेटर अगर इंटरेस्ट खत्म हो गया तो उसमें प्रॉफिट डिस्प्रोपोर्शनट हो जाएगा, या उसकी ब्रांड इक्विटी एक नया डिस्क्रिप्शन, इट इज ए कॉल लाइक अब जोमेटो का एग्जाम्पल ले लीजिए, 5 साल उसने लॉस दिया, लेकिन जब शेयर चलने लगा तो पिछले 6 महीने में 100 रुपए से 170 रुपए हो गया, तो 70% की उसने रिटर्न दिया। तो हो सकता है इस तरह के और जो स्टार्टअप्स है, इस तरह के जो एक डिसरप्टिव मार्केट प्रैक्टिसेस के आए हैं, उसमें इस तरह का ही आपको रिजल्ट देखने की बात होगी। आप फिनटेक की बात कर सकते हैं, फिनटेक में भी अगर आपको दिखेंगे तो इस तरह के आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन एक आम निवेशक के लिए मल्टी बैगर को ना एक मृग तृष्णा की तरह है, आप उसमें मरीचिका की पीछे ना भागे। अगर आप मल्टी बैगर अगर आप 10 पकड़ेंगे तो उसमें से एक ही चलेगा, लेकिन एक काफी अच्छा रिजल्ट दे देगा, लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट की बाकी 5 में की और बाकी 5 के 5 भी नहीं चल पाए तो आपका नेट रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो मुझे लगता है मल्टी बैगर को अगर आप पीछे से उसको
फॉलो करना चाहते हैं, उसको परस्यू करना चाहते हैं, तो ये परिपक्व जब आपका मार्केट में कुछ जी एक्सपीरियंस हो जाए तो 5 से 10% शेयर ही अपने जो इन्वेस्टेबल कैपिटल है उसको आप इसमें लगा सकते हैं। कम से कम आपको 80-90% जो नॉर्मल ब्रॉड मार्केट है, जो जी नॉर्मल आपका लार्ज कैपिटल और लिस्टेड शेयर्स हैं अच्छी क्वालिटी के, उस पे ही लगाना चाहिए। इसमें लगाने में आपको क्लियर होना जी चाहिए कि ये हाई रिस्क हाई गेन है, आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। और क्योंकि जिस तरह से अब लोगों के खर्च करने की क्षमता बढ़ रही है, तो तमाम ऐसे सेक्टर्स पर भी फोकस है जिसमें आप ये मानकर चलते हैं कि आपकी खर्च करने की क्षमता उनसे जुड़ी हुई है। एफएमसीजी की जब हम बात करते हैं, इस सेक्टर पर आपका क्या व्यू पॉइंट रहेगा, और ख़ास तौर पर तब जब लगातार हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी एक मांग में अपटिक देखा है? देखिए, ये सेक्टर बहुत अच्छा है। मैं इसको सबसे अच्छा कंजर्वेटिव और सबसे रिस्क फ्री सेक्टर मानता हूँ, बिकॉज इंडिया की जिस ढंग से हमारी कंजम्पशन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो हमारी क्षमता है और जो हमारी उसका रुझान है खर्चा करने पे, वो दोनों में बढ़ावा हो रहा है। हमारी तीन चीजें हैं, रुझान भी बढ़ रहा है, हमारी क्षमता भी बढ़ रही है और हमारी कैपेसिटी भी बढ़ रही है। इसके चलते हुए एफएमसीजी में डायरेक्ट हमें प्रोपोर्शनेट कंजप्शन मिलता जाएगा, लेकिन इसमें इस सेक्टर में इतना ज्यादा कंजप्शन है और कम से कम 30-40% जो कॉस्ट है वो खाली एडवर्टिजमेंट की है। इसके चलते हुए ये डिफेंसिव तो है सेक्टर, आपको इसमें लॉस नहीं होगा, लेकिन आप इसमें 70%, जैसे मैं जोमेटो की बात कर रहे थे, मल्टीबैगर या स्टार्टअप की बात करते रहे थे, तो उस तरह का आपको इजाफा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मार्केट रेट से अगर आप बैंक की एफडी 8% से कंपेयर करें, तो कम से कम एक स्टेबल रिटर्न 17 से 18% की रिटर्न आपको एफएमसीजी सेक्टर में मिलेगी। और मुझे लगता है कम से कम एक इन्वेस्टर का 30% जो टोटल इन्वेस्टेबल फंड्स है, एक्स अगर उसने इन्वेस्ट किया तो एक्स बाई उसका जो 0.30% है वो कम से कम एफएमसीजी काउंटर में लगे, ताकि उसको कम से कम मार्केट के वे जो वेगेरीज है, मार्केट की जो वोटिलिटीज है, उससे ना जूझना पड़े, उसको कहीं से कहीं एक स्टेबल रिटर्न की आवश्यकता और स्टेबल रिटर्न की प्रोविजन दोनों पे उसको नजर आए कि हमें कुछ स्टेबल रिटर्न मार्केट से। महेश्वरी साहब, हम जानते हैं कि ये मार्च का क्लोजिंग है, इस मार्च के महीने की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। इस वक्त मार्केट का सेंटिमेंट, खास तौर पर अगर तीन सेक्टर्स आप पिकअप करना चाहें जिसको लेकर मार्केट बहुत पॉजिटिव होने वाला है इस पूरे साल के लिए, तो वो अगर निवेशक के पास मान लीजिए 100 रुपये हैं और वो तीन सेक्टर्स में उसको निवेश करना चाहता है, तो किस लिहाज से करें? देखिए, एक सेक्टर हमने कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दूसरा सेक्टर जो हमने बात किया वो एफएमसीजी का भी ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिया है, जी। तो हमारे पास 30-30-40% पैसा बचा है, तो 40% में 20-20 पैसा हम लगा सकते हैं, 20% हमें मेटल्स में लगाना है। मुझे लगता है जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर कारण ग्रोथ होती है, जब भी पीएमआई बढ़ती है और वहां मैन्युफैक्चरिंग का कंपोजिशन ज्यादा होता है, तो उसमें मेटल्स की कंजप्शन बहुत ज्यादा होती है। तो आपने देखा होगा पिछले 2 महीने में भी मेटल्स में काफी एक्टिव काउंटर रहा और काफी इसमें योगदान रहा। मुझे लगता है ये पूरा साल मेटल्स के लिए बहुत अच्छा होगा और 20% इन्वेस्टमेंट आप मेटल्स में कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग 20 है वो फाइनेंशियल सेक्टर। आज हमारा जो इंडेक्स है, जो हमारा कंपोजिशन है, उसका 36% जो कंपोजिशन है वो फाइनेंशियल सेक्टर है। तो अगर इंडेक्स बढ़ेगा तो बिना फाइनेंशियल सेक्टर के ग्रोथ के इंडेक्स नहीं कर सकता। तो चाहे पीएसयू बैंक की बात करें, चाहे पीएसयू इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, चाहे एमआईआई की बात करें, जो भी डेटा प्रोवाइड की बात करें, सीटीएसएल की बात कर सकते हैं, पेनिस्कल की प्रोटीन की बात कर सकते हैं, आप बीएससी शेयर्स की बात कर सकते हैं, आप इससे जुड़ी पीएसयू जितने भी बैंक है बहुत अच्छे पर, तो कम से कम जो 20% शेयर है वो आपको पीएसयू में फाइनेंशियल सेक्टर में डालना पड़ेगा। इसके अलावा भी बहुत चीजें, बट बिकॉज आपने चार सेक्टर की बात की है, तो मैंने 30-30 और 20-20 का आपको चलिए बहुत अहम आपने जानकारी दी। हमें लगता है कि जो निवेशक देख रहे हैं उनके लिए इस तरह की जानकारी बहुत काम आने वाली है। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि टेक्सटाइल और पेंट इंडस्ट्री पर निवेशक अब क्यों फोकस कर रहे हैं, जानेंगे इसका जवाब महेश्वरी साहब से। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए बाजार इस हफ्ते। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था, सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू।
थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद फिर का स्वागत है बाजार इस हफ्ते में। लगातार हमें जानकारियां दे रहे हैं एनसी महेश्वरी साहब, जो कि विशिष्ट मेहमान के तौर पर जुड़े हुए हैं हमारे इस खास शो में। महेश्वरी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने टेक्सटाइल सेक्टर का जिक्र किया, जिसको लेकर बहुत बुलिश है सरकार। जिस तरह से नीतियां बनाई जा रही हैं, टेक्सटाइल पार्क्स की हम बात करें और कैसे इस इंडस्ट्री को और मजबूत करना है, उस लिहाज से आपका व्यू पॉइंट क्या रहने वाला है इस पूरे क्षेत्र पर? देखिए, टेक्सटाइल जो इंडिया की बैकबोन थी, एक जमाने में बहुत 1000 से ज्यादा इंडिया में टेक्सटाइल मिल होती थी, और कॉटन के ऊपर, कॉटन इंडस्ट्री के ऊपर, चाहे वो स्पिनिंग हो, डिजाइनिंग हो, वीविंग हो, हमारा इंडिया का बहुत पूरा गोल्ड था, प्रभुत्व था। लेकिन टाइम के चलते चलते वो जितनी 80% से ज्यादा जो टेक्सटाइल कंपनी थी वो सिक हो गई। मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, इस कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा, और वो सारी सिक होती चली गई, चाहे वो NTC में गई या नॉन NTC कंपनीज में गई। और वो सिक होने के चक्कर में जो हमारा बिजनेस कॉटन और टेक्सटाइल का था, वो इंडिया से एक्सपोर्ट होकर बांग्लादेश में चला गया है, वियतनाम में चला गया है, और कुछ चाइनीज कंट्रीज में चला गया है। आज अगर हम देखें तो बांग्लादेश और वियतनाम में बहुत ज्यादा टेक्सटाइल का बिजनेस चला गया। तो हमें अपनी ओल्ड ग्लोरी को वापस लाने की कोशिश की जा रही है, और गवर्नमेंट ने बड़ा एम्बिशियस टेक्सटाइल प्लान जैसे आपने बोला कि 5 states में 1000 acres मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 1000 acres के टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं, जहाँ इंटीग्रेटेड एंड कंसोलिडेटेड, जहाँ उनको आपको प्रोसेसिंग हाउस भी मिलेगा, वीविंग भी मिलेगी, उसको एक्सपोर्ट करने की डॉक्यूमेंटेशन की फैसिलिटी भी होगी, रिफाइनेंस की फैसिलिटी भी होगी, और क्योंकि कॉटन में बहुत ज्यादा वेयर हाउसिंग का रोल होता है, वो भी मिलेगा। तो एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और अगर हम एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी देखें तो टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है इंडिया की, अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन ये अभी एम्बिशियस है, ज्यादा हम स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात करते हैं तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है, पर मुझे लगता है इसमें अभी इमीडिएट इन्वेस्टमेंट करने से शायद उतना फायदा ना हो जितना हमने ऑलरेडी सेक्टर्स को करे। बट एज ए इंडियन इकोनॉमी मुझे लगता है टेक्सटाइल का आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है, और ये सेक्टर हमें वॉच पे रखना पड़ेगा। जैसे ही इसमें ब्रेकआउट होगा, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार। दूसरी, आपने जो बात करी पेंट इंडस्ट्री की, तो पेंट भी एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। अगर हम पिछले 1 से 2 साल की रियल एस्टेट की जो सेल हुई है, जो हमारे बिल्डर्स है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके अगर हम फ्लैट्स की सेल की बात करें, तो हम देखेंगे कि पहले जो HIG और सुपर HIG या लग्जूरियस जो फ्लैट्स होते थे, उनकी जो सेल होती थी वो कंपोजिशन में बहुत ज्यादा बढ़ी है। इसका मतलब है, अब जैसे हमने शुरू में बात करा, जो अब इन्वेस्टर्स है वो बेसिक नीड के लिए मकान नहीं ले रहा है, बिल्कुल थोड़ी हाई क्वालिटी और लग्जूरियस फ्लैट जिसमें बेसिक एमिनिटीज के साथ साथ कुछ जिसको हम कहते हैं अपना जो लाइफ स्टाइल है उस पे भी कुछ कंट्रीब्यूशन मिले, वो ऐसे फ्लैट, ऐसे विला, ऐसे फ्लैट्स को देखने की कोशिश कर रहा है, और ये सेक्टर बहुत अच्छी तरह से ग्रो। जब इतना लग्जूरियस और हाई एंड आप फ्लैट्स की बात करेंगे, तो नेचुरल उनकी डेकोरेशन जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी बहुत बड़ा काम खुल गया है जी। और इसलिए पेंट, एक जो पहले पेंट का नहीं कलर होता था, कलर नहीं है, नाउ इट इज ए कंसेप्ट ऑफ लाइफ, ये एक पूरा कंसेप्ट दे रहा है कि आपको इंटीरियर में कैसे आपको रहना है, और इंटीरियर डिजाइनिंग में पेंट में जो मल्टीपल आयाम्स अवेलेबल है, तो मुझे लगता है पेंट की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन और इससे बढ़ते हुए ही हम देखेंगे कि इस सेक्टर में 2-3 बहुत बड़े प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं, चाहे हम JSW की बात करें, चाहे हम बिरला की बात करें। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में हमने देखा नहीं था, और जिस ढंग की कैपेसिटी ग्रेसिम ने लगाई है,
उसे मार्केट में लग रहा है कि शायद जो अभी तक जिन ब्रांड्स की मार्केट में ऑलमोस्ट मोनोपोली थी उनको शायद थोड़ा हिट हो, क्योंकि एक तो जो नए प्लांट्स आ रहे हैं बहुत बड़ी लेवल पे आ रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और नंबर टू है कि जब कोई नई इंडस्ट्री इतना पैसे के साथ आएगी तो कोई नई मोटिवेशन के साथ, नई इनोवेशन के साथ, नई स्किल के साथ आएगी। तो मुझे लगता है इनिशियली आपको मार्केट में दबाव देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता ये राइट टाइम है अभी इन्वेस्ट करने का, लेकिन बिल्कुल वक्त के साथ हम देखेंगे कि सेक्टर में किस तरह के और नए रंग भरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंश महेश्वरी साहब, आप ने इस मंच से अपने विचार साझा किए। उम्मीद करते हैं कि जो तमाम लोग हैं जो शेयर बाजार और शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी चाहते थे वो हमारे शो के माध्यम से आपको मिली होगी। तो लेकिन अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल रह गया हो तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी शो पर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए, और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर जारी है। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।